हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि पटेल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम ये वीडियो के अंदर बात करेंगे कि गोल्ड जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर कहाँ पर जा सकता है, क्या उसकी पॉसिबिलिटी है और क्या उसके सपोर्ट रह सकते हैं, कहाँ पर उसके टारगेट हो सकते हैं, उन सब के बारे में जो है वो हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं पहले सपोर्ट से। तो जो नंबर वन सपोर्ट है गोल्ड के लिए नेक्स्ट वीक के अंदर वो है 50,700 का लेवल। ठीक है, 50,700 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द गोल्ड फॉर द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर खास ध्यान रखना है। अगर गोल्ड जो है वो ये लेवल को ब्रेक कर देता है और इसके नीचे जाके सस्टेन करने का ट्राई करता है तो गोल्ड के अंदर जो है दोस्तों वो हमें ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है। और ये जो करेक्शन है वो फिर आप मान के चलिए 50,000 का जो लेवल है वहाँ पर हम जा सकते हैं। एंड कभी भी 50,000 का जो लेवल है दोस्तों वो ब्रेक करे गोल्ड और उसके नीचे जाके सस्टेन करने का ट्राई करता है तो गोल्ड के अंदर जो है वो करेक्शन और ज़्यादा बढ़ सकता है। आपको यहाँ पर खास ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आज कल परसों एक महीने बाद कभी भी गोल्ड ने 50,000 का जो एरिया है वो ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ तो करेक्शन जो है उसकी साइज थोड़ी सी ज़्यादा हमें देखने को मिल सकती है। तो हमें जो है वो फाइनल जो हमारा सपोर्ट है उसके ऊपर जो है वो खास ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियो के अंदर हमारा फाइनल सपोर्ट था 51,300 जो हमने डिस्कस किया था। हमने साथ में बात की थी कि अगर ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक होता है तो गोल्ड के अंदर जो है वो करेक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और सेम सिचुएशन हुआ दोस्तों, जैसे ही वो सपोर्ट जो है वो ब्रेक हुआ और गोल्ड के अंदर जो है वो हमें करेक्शन जो है वो ज़्यादा देखने को मिला। लगभग वहाँ से 1,000 पॉइंट का एक करेक्शन जो है वो हमारे फाइनल सपोर्ट के नीचे हमें देखने को मिला था। तो ये हमने बात कर ली गोल्ड के फाइनल सपोर्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं कि अगर फाइनल सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो गया तो गोल्ड के अंदर जो है वो कहाँ पर हमें करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकती है। तो हमें जो है वो 49,500 से लेके लगभग लगभग गोल्ड के अंदर हम जो है वो 48,900 का जो लेवल है दोस्तों वो देख सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली गोल्ड के सपोर्ट के बारे में। अगर आप गोल्ड के अंदर इंट्राडे के अंदर या पोजिशनल काम करते हो दोस्तों तो हमारा ग्रुप है जिसके अंदर हम गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात करते हैं लाइव मार्केट के अंदर। वहाँ पर कोई अच्छा सा हमें कॉल मिले बाय या सेल का तो वो हम वहाँ पर बताते हैं। नॉर्मल हमारे चार्जेस होते हैं। अगर आपको ज्वाइन होना हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी एप्लीकेशन का लिंक है, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में हमारा दूसरा भी ग्रुप है करेंसी का और तीसरा ग्रुप है स्टॉक इक्विटी का। अगर आप इक्विटी में काम करते हो, स्टॉक में काम करते हो तो उसमें भी बहुत ही बढ़िया हमारा ग्रुप चल रहा है। तो आप कोई भी जिसके अंदर काम करना चाहते हो आप हमारे साथ जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर जुड़ सकते हो। नॉर्मल हमारे जो चार्जेस होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। तो ये मैंने बात कर ली दोस्तों आपको सपोर्ट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं उसके टारगेट क्या हो सकते हैं उसके बारे में। तो नंबर वन जो टारगेट है गोल्ड के लिए नेक्स्ट वीक के अंदर वो है 51,500 का लेवल। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है 51,500 का जो लेवल है वो अगर गोल्ड जो है वो सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है, ऊपर की तरफ सस्टेन कर लेता है तो हमें गोल्ड के अंदर जो है वो थोड़ी सी तेज़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी जो है वो गोल्ड ने बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लिया है 50,000 के लेवल के आसपास। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है अगर गोल्ड ने 51,500 का जो लेवल है वो सस्टेन कर लिया तो 52,300 के आसपास जो है वो हम गोल्ड को जाता हुआ देख सकते हैं। और ये जो लेवल होगा दोस्तों वो हमारा फाइनल होगा, फाइनल टारगेट होगा नेक्स्ट वीक के लिए। अगर हमारा फाइनल टारगेट जो है वो गोल्ड सस्टेन कर लेता है तो जैसे कि आप जानते हो फाइनल सपोर्ट ब्रेक होगा तो करेक्शन की साइज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी। और फाइनल टारगेट ब्रेक होगा, सस्टेन होगा तो आपको बहुत ही बढ़िया गुड मूवमेंट रैली टाइप आपको देखने को मिलेगा। तो गोल्ड ने जो है वो 52,500 जो है वो फाइनल
टारगेट है वो सस्टेन कर लिया, तो 53,000 से लेके हम जो है वो गोल्ड के अंदर 53,500 का जो लेवल है वो देख सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली गोल्ड के सपोर्ट और गोल्ड के टारगेट के बारे में, क्या पॉसिबल हो सकता है उसके बारे में जो है वो हमने यहाँ पर डिटेल में बात की है। ठीक है, तो आपको जो है वो यहाँ पर ध्यान देना है, 850,000 का लेवल जो है वो कभी भी ब्रेक हो तो आपको उसी टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना है, और अगर टारगेट में देखें तो 52,300 का जो फाइनल टारगेट है वो अगर सस्टेन हो गया ऊपर की तरफ तो आपको बहुत ही बढ़िया जो रैली है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने बात कर ली गोल्ड के सपोर्ट और टारगेट के बारे में। अब हम देखते हैं डॉलर टर्म प्राइस के अंदर उसकी क्या पॉसिबिलिटी है उसके बारे में। सो नंबर वन सपोर्ट इन द डॉलर टर्म प्राइस फॉर द गोल्ड इज 1955 लेवल। ओके, 1955 इज अवर वेरी इम्पोर्टेंट सपोर्ट फॉर द गोल्ड फॉर द नेक्स्ट वीक। इफ दिस सपोर्ट कैन ब्रेक एंड सस्टेन बिलो दिस प्राइस देन वी कैन सी मोर करेक्शन इन द गोल्ड। ओके, एंड दिस करेक्शन इज मे एक्सटेंड अप टू 1935 लेवल which is our final support for the gold for the next week. If this support can break and sustain below this price, then we can see more correction in the gold. Same situation is occurred in the previous week. Our final support is 1950. After breaking this level, we can see more correction in the gold. Okay, so फाइनल सपोर्ट इज 1935 लेवल। इफ दिस लेवल कैन सस्टेन बाय गोल्ड इन बिलो देन वी कैन सी मोर करेक्शन अप टू 1925 लेवल टू 1890 लेवल। ओके, सो वी हैव टू अलर्ट फ्रेंड्स व्हेन गोल्ड कैन ब्रेक अवर फाइनल सपोर्ट। ओके, so it's a support side for the gold for the next week. Now we are discuss about the target side. So number one target for the gold for the next week is a 1987 level, which is a very important target for the gold for the next week. If gold can sustain and close above this price, then we can see some good rally in the gold. A person or trader who want to safe trade in the gold, then buy only and only above this area 1987. If this level can sustain and close above this price, then friends we can see good rally up to 2005 level. Okay, we can see 2005 level if gold can sustain our very important target, which is a 1987. So on the closing basis, if 2005 level can sustain by the gold and closed above this price, then friends this rally is a continued and more sharp movement in the upper direction possible up to 2015 to 2035 level. Okay, so we have to be careful when gold can sustain above 2005 level. If this level can sustain after breaking, then we can see very good movement in the gold. Okay, so it's a support and target for the gold for the next week, which is the first week of September 2020. Okay friends, thanks for watching this video.